सोशल मीडिया पर मुंबई का एक हंगामे वाला वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाहर ऑटो रिक्शा वालों का है। ये ऑटो रिक्शा वाले मुसलमान हैं जो कि यहाँ से एक बस के शुरू होने का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है, एक फेसबुक यूज़र ने 12 जुलाई को एक वीडियो अपलोड करके ये दावा किया कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन से BKC के बीच नई बस सेवा शुरू होने से नाराज़ मुसलमान ऑटो रिक्शा चालकों ने बसों को तोड़ा। इसी तरह ट्विटर पर भी इसी दावे के साथ ये वीडियो और पोस्ट दिखी जिसमें लिखा गया था कि वीडियो बांद्रा के BKC इलाके का है। व्हाट्सएप पर भी इन्हीं दावों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर किया गया है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने इस वीडियो की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। हमारी टीम ने जब गौर से देखा तो नीले रंग की इन बसेस पर हमें सिटी लिंक लिखा हुआ दिखाई दिया और जब हमारी टीम ने सिटी लिंक को खोजा तो सूरत नगर निगम से जुड़े हुए कई सारे लिंक हमारे सामने आए। इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये तस्वीरें मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की नहीं बल्कि सूरत में पिछले हफ्ते हुए एक हंगामे की हैं। इंटरनेट पर सिटीलिंक टाइप करने से सूरत नगर निगम की कई सारी वेबसाइट सामने आती हैं। दरअसल सिटीलिंक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सूरत के नगर निगम की परिवहन परियोजना है और ये बसें सूरत में ही चलती हैं। आगे पड़ताल करने पर हमें 5 जुलाई को यहाँ तोड़फोड़ की घटना की खबरें मिली। आपको याद होगा जून में झारखंड में तब्रेज अंसारी नाम के एक युवक की चोरी के शक में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसी घटना को लेकर सूरत में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ये तस्वीरें उसी विरोध की हैं। 5 जुलाई को वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ बेकाबू हो गई थी। ये पूरा हादसा सूरत के नानपुरा इलाके के स्वामी विवेकानंद सर्कल पर हुआ। वायरल वीडियो में जिन बसों पर बदलाव किया जा रहा है वही बसें सूरत की उस दिन की खबर में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा वायरल वीडियो में जो भीड़ के पीछे होर्डिंग लगा है उस पर शाह लिखा हुआ है, वही होर्डिंग इंस्टेंट स्ट्रीट व्यू में स्वामी विवेकानंद सर्कल सूरत के वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम की टीम ने इस वीडियो की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। हमारी टीम ने ये पाया कि ये वीडियो मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का नहीं है बल्कि ये वीडियो जून में झारखंड में हुई हत्या के विरोध में एक प्रदर्शन सूरत में हुआ था उस समय का है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम इस वीडियो को मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का होने से साफ इनकार करता है, खारिज करता है।